जैनी साथियों, जितने सारे हमारे भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी हमारे बीच प्रमोद कुमार बैठे हुए हैं, जिनका कि फाइनली सिलेक्शन हुआ है SDFSO, यानी जो आज से कुछ महीनों पहले ये भर्ती आई थी, जिसमें कि SDFSO के भी पद थे और साथ ही साथ बिहार XISI यानी मध्य निषेध SI पद के लिए थी, जिसमें कि टोटल पद थे 64, जो कि फाइनली 64 सीट भी नहीं भर पाया। और टोटल कितने लड़कों का सिलेक्शन हुआ? 30 नहीं, लड़का लड़की टोटल मिला के कितना? 56। टोटल 56 भाई बहनों का सिलेक्शन हुआ और साथ ही साथ 8 सीट आपको खाली रह गए। तो साथियों, जो भी भाई बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं 1275 पदों के लिए, और साथ ही साथ फिर एक भर्ती आ गई है मध्य निषेध SI की, फिर से 64 पद है टोटल, तो उसकी तैयारी में आप लोग फॉर्म अप्लाई शुरू हो चुका है, फिर आप लोग उसकी तैयारी में जुटे हुए होंगे पहले से, और कुछ लोग अभी जुटेंगे। तो क्या रणनीति रखे कि हमारा एक सीट कम से कम कंफर्म हो जाए? और जो इस बार फिजिकल हुआ गर्दनी बाग में, तो बहुत बालू था, बालू की वजह से बहुत सारे भाई हमारे, बहुत सारी बहनें फिजिकली क्वालिफाई भी नहीं कर पाए, तो फिजिकल भी एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है, क्योंकि आपका फाइनल सिलेक्शन देखा जाता है, ये नहीं देखा जाता कि आप कितना बार दरोगा का PT पास किया, कितना बार मेंस पास किया है, ये देखा जाता है कि आप फाइनली सिलेक्शन ले पाते हैं कि नहीं। चलिए PT में बार बार हो जाता है, कहीं ना कहीं आप फिजिकल से बाहर हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं फिर तो आपको सफलता मिली नहीं, फिर जब आपका फाइनली फिजिकल पास होता है तो फिर मेरिट का टेंशन बना रहता है। तो फाइनली सिलेक्शन तक, और हम प्रमोद जी से भी बात करेंगे, तो आप सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई है, और आपने फाइनली सिलेक्शन लिया, हमारी टीम से जुड़ के आपने फिजिकल की तैयारी की और बाकी अन्य अन्य जगहों से आपने रिटेन की तैयारी की, आपका सेल्फ भी बहुत मेहनत रहा, क्योंकि हम समझ सकते हैं और जो भाई वीडियो देख रहे हैं वो भी समझ सकते हैं कि टोटल 56 लड़कों का था ना, 56 लड़का लड़कियों का सिलेक्शन हुआ, तो ये अपने आप में एक दम रखिए 64 पदों में। तो चलिए, आपका स्वागत है, बाकी भाइयों को क्या गाइड करेंगे 1275 के लिए और साथ ही साथ 64 पदों के लिए जो भर्ती आई उसके लिए? थैंक यू सर। 64 पोस्ट के लिए, तो 1275 के लिए तो पहले तो रेगुलर सेट बनाते रहना सेट जरूरी है, और प्लस में फिजिकल के लिए एक घंटा अभी से दे सकते हैं, एक घंटा अभी फिजिकली वर्कआउट स्लो रनिंग करनी चाहिए ताकि धीरे धीरे स्टेमिना डेवलप हो। और कौन सी बुक आप गाइड करना चाहेंगे कि जिससे कि आपको ज्यादा लगता है कि ये पढ़ने से सही होगा? करंट के लिए तो हम स्पीडी किए थे, करंट अफेयर करंट के लिए स्पीडी किए थे। हाँ, और लुसेंट ऑब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों। अच्छा, अभी अभी मतलब कि जब एग्जाम नजदीक है तो लुसेंट ऑब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों करना है। हाँ, प्लस में सार संग्रह आता है NCERT का। हाँ, वो भी अच्छा है, वो भी मतलब लास्ट टाइम में करने के लिए अच्छा है। NCERT का हाँ, कॉस्मोस का आता है, मैथ्स वर्क करने वाला। हाँ हाँ, वो सही है। अच्छा, सेट ऑनलाइन लगाए कि ऑफलाइन? ऑफलाइन डिस्कशन के साथ। हाँ, डिस्कशन के साथ, जो मैं डिस्कशन करना सेट की जरूरी है, डिस्कशन जरूरी है। आप एक दिन में कितना सेट लगाते थे? हम तो इतने सेट लगाते थे, एक सेट लगाते थे, एक सेट मतलब रोजाना लगाते थे। सॉल्यूशन अच्छा से करते, सॉल्यूशन उसका मतलब जो भी गलत हो गया, जो सही हो है तो उसको तो रिवीजन कर, जो गलत हुआ उसको देखना है अच्छा। तो बाकी भाइयों के लिए क्या कहेंगे 64 पद के लिए और साथ ही साथ 1275 पद के लिए? कम से कम 8 घंटा पढ़ना चाहिए रेगुलर। अपनी सफलता का श्रेय सबसे ज्यादा किसको देना चाहेंगे? हम माता पिता को देना चाहेंगे। चलिए, धन्यवाद। तो साथियों, देख रहे थे अभी हम प्रमोद जी से बात कर रहे थे, और इन्होंने आप अपनी जीवन की कुछ ऐसी रोचक चीजें बताएं जिससे कि लोग इंस्पायर हो, जिस एक टाइम में आपको भी कभी लगा होगा कि लगता है कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इससे बहुत सारे लोग हैं जिनको लगता है कि मेरा नहीं होगा। क्या हम 2213 में रनिंग में छठे थे ना फिजिकल? हाँ, और उसके बाद ये SI जो मेरा था तो उसमें मेरिट में छठ गए। हाँ, उसके बाद हम काफ़ी डिप्रेशन में चले गए। हाँ, लेकिन डिप्रेशन में नहीं जाना, उसे जाने से आपका टाइम बर्बाद होगा। हाँ, और जो आपके जो कम्पटीटर है वो पढ़ते मतलब आपसे आगे निकल जाएगा, टाइम बर्बाद नहीं करना है, अगर हुआ तो उसे फिर से स्टार्ट करना चाहिए। चलिए, तो अभी प्रमोद जी का ये बातें आप सारे भाई सुन रहे थे, देख रहे थे, जो भी भाई बहन वीडियो से जुड़े हुए हैं चैनल के माध्यम से,
तो चलिए आप लोगों की ओर से भी इनकी सफलता के लिए ढेरों सारी शुभकामना बधाई है, आपकी ओर से है ये है मेरे ओर से, और इनके माता पिता को भी श्रेय जाता है। चलिए मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।